जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो आज वीवो अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, वीवो V23 5G और वीवो V23 Pro 5G। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इन दोनों स्मार्टफोन्स के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इन दोनों स्मार्टफोन्स के क्या क्या ऑफिशियल प्राइजेस हैं, क्या वाकई में हम लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन्स को खरीदना चाहिए, कौन कौन से अच्छे अल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Realme GT2, Realme GT2 Pro इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये कल शाम को लॉन्च हो गए थे। कल शाम को ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दिया था, मैं अनबॉक्सिंग भी दिखाया था, इंडियन अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस सब कुछ डिटेल में बताया हूँ। आई बटन पे वीडियो दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं Vivo V23 Pro से। Vivo V23 Pro में आपको 6.56 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का TSR, 1000 हर्ट्ज का ISR, इंस्टेंट टच सेंसिंग रेट जो बहुत ही अच्छी बात है, HDR 10 प्लस के साथ आता है, DCI P3 कर्ड गैमेट मिल जाता है, 401 के PPI के साथ आता है, 1300 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। बस यार डिस्प्ले वाइज आपको बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, ऊपर आपको नॉच देखने को मिल जाएगा छोटा सा। देखो यार अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा है, आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे देता है, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है तो आप गेमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, 98 रिफ्रेश रेट है तो स्मूथ वाला एक्सपीरियंस रहेगा, एमोलेड पैनल है तो कलर्स काफी अच्छे रहेंगे, आउटडोर भी लेके जाओगे तो सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा, मूवीज भी देखोगे तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि बेजललेस डिस्प्ले है, अच्छा है। लेकिन जिनको नॉच से दिक्कत है उनको दिक्कत होगा, जो पहली बार इन स्मार्टफोन्स को खरीदेगा पक्का कह रहा हूँ नॉच से आपको बहुत ही तकलीफ होगा। लेकिन एक बात जान लो, नॉच इन स्मार्टफोन्स का माइनस पॉइंट नहीं है, नॉच से एक अलग सुंदरता मिलता है और वीवो की वी सीरीज और एस सीरीज का यही तो स्पेशलिटी है कि आपको नॉच मिल जाता है। नॉच इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो सेल्फी कैमरास है ना उनके सेंसर्स को रखने के लिए जगह चाहिए होता है, इसी वजह से थोड़ा सा नॉच हम लोगों को मिल जाता है। अब आप बोलोगे पंच होल डिस्प्ले क्यों नहीं दे देते डुअल पंच होल डिस्प्ले, भाई वो वीवो का स्टाइल है, वीवो से जाके पूछ लेना, लेकिन डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा है, नॉच आपको थोड़ा सा खटकेगा, ठीक है ना। अब भाई जो यूज कर चुका है उसको तो नहीं खटकेगा लेकिन खटकेगा, और थोड़ा सा आपको आईफोन 13 सीरीज का भी फील आएगा नॉच से। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में, कैमरास भी बहुत ही अच्छे हैं, हालांकि जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है उस प्राइस रेंज में हम लोगों को और भी अच्छे कैमरास वाले स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं लेकिन ये इतने अच्छे कैमरास नहीं दे पाता है। यहाँ पर आपको सैमसंग और ओमनीविजन के सेंसर्स का यूज होता हुआ दिखाई देगा, जनरली हम लोगों को 40,000 रुपए में 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा स्मार्टफोन है ये, अच्छे कैमरास दे देता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो सैमसंग का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, ओमनीविजन के सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। सेल्फी की बात कर ले तो 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, यहां पर भी सैमसंग के सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो कैमरास अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे आपको फोटोज दे देंगे, सेल्फीज भी आप बहुत ही अच्छे वाले ले लोगे, खास के सेल्फी सेंट्रिक फोन है तो भाई सेल्फीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा, कैमरास बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जो मेन कैमरास है ना वहाँ पर नंबर्स पे फोकस किया गया है, हालांकि सेंसर्स पे फोकस करते तो मजा ही आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं अच्छे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 3.1 का शोर सपोर्ट मिलता है, LPDDR4 XLR टाइप मिल जाता है, 4300 mAh का बैटरी मिलता है, 44 वाट के फास्ट चार्जर का सपोर्ट करता है, Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा विद फन टच OS 12, तो आपका एकदम नया नया एक्सपीरियंस रहेगा। NFC भी मिल जाता है, VC लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, BT वर्जन 5.2 मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन और Wi-Fi 6 भी देखने को मिल जाता है, हालांकि यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, सिंगल स्पीकर के साथ आता है, तो ये माइनस पॉइंट लगा। प्रीमियम स्मार्टफोन है 40,000 रुपए का तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देने चाहिए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये वीवो का स्टाइल है, मेन स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek Dimensity 1200 जो 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, माली G77 MC9 का GPU मिल जाता है। देखो यार परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट वर्क करेगा, काफी अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन 40,000 रुपए में अगर स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता तो मजा जाता, लेकिन जो सुन रहे होंगे उनको पक्का हंसी आ रहा होगा क्योंकि वीवो का स्मार्टफोन है, कैसे स्नैपड्रैगन 870 दे देगा 40,000 रुपए में, इम्पॉसिबल है।
वीवो है भैया वीवो, और यहाँ पर आपको 7 5G बैंड्स मिल जाते हैं, तो बैंड्स की संख्या भी सही है, थोड़ा सा और बढ़ा देते तो अच्छा लगता, लेकिन ठीक है 7 5G बैंड्स। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन्स का 7.36 mm का थिकनेस है। जो Vivo V23 Pro है वो 179 ग्राम्स के साथ आता है, और जो Vivo V23 है वो 171 ग्राम्स के साथ आता है। डिजाइन वाइज अगर दोनों स्मार्टफोन्स को पीछे से देखोगे तो एग्जैक्टली सेम दिखाई देते हैं, बस स्क्रीन साइज बड़े छोटे कर दिए गए हैं, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। Vivo के टिपिकल स्मार्टफोन्स के डिजाइन से तो बिल्कुल ही अलग है, देखने में एकदम दिल खुश हो जाता है, काफी अच्छे और ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आते हैं। Vivo V23 Pro में आपको फ्लोराइड बैक देखने को मिलता है, वो कलर चेंजिंग कर सकता है, अगर आपका कोई भी लाइट वाइट अगर पड़ेगा उसके ऊपर तो वो कलर चेंज करने लग जाएगा, तो काफी अच्छा और काफी प्रीमियम आपका एहसास रहेगा। और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो कलर चेंज कर सकता है, तो पीछे से देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आगे से देखोगे तो आपको नॉच मिल जाता है, कंप्लीटली बेजललेस डिस्प्ले है। जो Vivo V23 Pro है वो आपको कर्व डिस्प्ले के साथ दिखाई देगा, जो Vivo V23 है वो आपको फ्लैट डिस्प्ले के साथ दिखाई देगा, बाकी सब कुछ एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अगर आप बिल्ड बैक देखोगे तो ग्लास बैक के साथ आते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन्स के आगे में, आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है। डिजाइन और बिल्ड वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे हैं, और कोई भी आईपी रेटिंग आपको नहीं मिलता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छोटे वाले भाई के बारे में, यानी कि Vivo V23 के बारे में। Vivo V23 भी आपको अच्छे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस दे देता है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों को 98 रिफ्रेश रेट ही मिलता है। यार ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा, अगर यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे देते तो मजा ही आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, Vivo है भैया। यहाँ पर आपको 6.44 इंच का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 98 रिफ्रेश रेट, कोई भी TSR नहीं मिलता है, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, DCI-P3 कलर कैबिनेट मिल जाता है, 409 के PPI के साथ आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है, फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है, छोटे से नॉच के साथ आता है, कंप्लीटली बेजललेस डिस्प्ले है। देखो यार पहली बात गेमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, 98 रिफ्रेश रेट है, एमोलेड पैनल है तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, और फ्लैट डिस्प्ले है तो फ्लैट डिस्प्ले का अपना अपना मजा होता है भाई, और HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, DCI-P3 कलर कैमरा के साथ, तो कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर वही बात आ जाता है, नॉच आपको थोड़ा सा खटकेगा, लेकिन नॉच इन स्मार्टफोन्स का स्पेशलिटी है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो बस यार डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से, अच्छे स्पेक्स से रहता है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देते तो मजा आ जाता, लेकिन Vivo से इतना उम्मीद मत लगाओ यार, Vivo है वो। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो Vivo S12 चाइना में लॉन्च हुआ था वो इंडिया में Vivo V23 बन के लॉन्च हुआ है। जो Vivo S12 था वहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा कर दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। ऐसा काम क्यों कर दिया यार, यहाँ पर भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे देते, इतना काय को चेंजेस करने में पैसा खर्चा किए। कैमरास अच्छे हैं, सेल्फी की बात कर ले तो Vivo S12 जो था ना वो आपको 44 प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी दे देता था, ये आपको 50 प्लस 8 मेगापिक्सल का सेल्फी दे देता है, तो सेल्फी बढ़ा दिया गया है, तो सेल्फीज आप अच्छे ले लोगे, एकदम हाई लेवल के सेल्फीज लोगे। कैमरास अच्छे हैं, लेकिन तकलीफ हुआ कि 108 मेगापिक्सल के कैमरा को हटा दिए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो मेन स्पेसिफिकेशंस आपको एक्जैक्टली वही मिलते हैं जो आपको Vivo V23 Pro दे देता है, बस एक छोटा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 4200mAh का बैटरी मिलता है, जबकि V23 Pro आपको 4300mAh का बैटरी दे देता था, बाकी सब कुछ वही है, उस वाले टाइम स्टेप पर जाके मेन स्पेसिफिकेशंस देख लेना आप। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए हैं। जो Vivo S12 जब चाइना में लॉन्च हुआ था वो दोस्तों Dimensity 1100 के साथ लॉन्च हुआ था, जो MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लेकिन जो Vivo V23 है वो इंडिया में Dimensity 920 के साथ लॉन्च हुआ है। ये भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा और ज्यादा था। यहाँ पर आपको माली G68 MC4 का GPU मिल जाएगा, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट वर्क करेगा, काफी अच्छा प्रोसेसर है, और आपको 7 5G बैंड्स भी मिल जाते हैं, तो बस यार यही है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आज इंडिया में लॉन्च हो गए हैं। प्राइसिंग की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 2 रैम वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे दोनों स्मार्टफोन्स में, आपको 4GB वर्चुअल रैम भी मिलेगा दोनों स्मार्टफोन्स में। शुरुआत करते हैं Vivo V23 Pro से, जिसका बेस वेरिएंट है 8+128GB, जिसका प्राइस है 38,999 रुपये, 39,000 रुपीज़, और 8/256 का प्राइस है 43,990 रुपये, यानी कि 44,000 रुपीज़। और यहाँ पर Vivo V23 का बेस वेरिएंट है 8/128, जिसका प्राइस है 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, और Vivo V23 का जो अगला वेरिएंट है 8/256, जिसका प्राइस है 34,990 रुपए, यानी कि 35,000 रुपीज।
तो आपको प्राइजेस कैसे लग रहे हैं, अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना जल्दी से। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या वाकई में हम लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन्स को खरीदना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हैं, क्या हम लोगों को और अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव्स मिलते हैं या मिलेंगे। देखो यार, पहली बात, दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में लॉन्च हुए हैं। मैं वीवो के नजरिए से कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई भी वीवो का अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, आपका बजट है 30-40 हज़ार रुपए, तो आप इन दोनों में से किसी को भी परचेज कर लो, मजा आ जाएगा आपको, अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको और भी अच्छे स्मार्टफोन चाहिए तो भाई मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इन दोनों स्मार्टफोन्स को मत खरीदना, आपको और अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे, बस थोड़े दिन वेट कर लो। ओप्पो रेनो 7, ओप्पो रेनो 7 प्रो आ जाएंगे जो सिमिलर प्राइस रेंज के आसपास होंगे और कमाल के स्पेसिफिकेशंस और कमाल के लुक्स और कमाल के आपको कैमरा से देंगे, उनके लिए वेट कर सकते हो। नहीं तो वन प्लस 9RT आ रहा है यार, 14-15 तारीख को आ जाएगा, उसको खरीद लेना। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE तो अमेजोन इंडिया पे लिस्ट भी हो चुका है, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन होगा, उसके लिए वेट कर लो। नहीं तो दोस्तों आप जाके अभी iQOO 7 लेजेंड खरीद सकते हो, Mi 11X Pro है और Realme GT Neo 2 है, Realme GT है, और भी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, उनके तरफ जा सकते हो। Moto H20 Pro है या फिर H20 Ultra करके कुछ है, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, उनके तरफ भी जा सकते हो। तो आपको अल्टरनेटिव तो बहुत ही मिल जाते हैं, लेकिन वेट भी करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव मिलेंगे, जैसे कि Xiaomi 12X हो गया, iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स हो गए। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज Vivo V23 और Vivo V23 Pro का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 80 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को ही दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको V23 अच्छा लगा कि V23 Pro अच्छा लगा, आपको क्या लगता है इन दोनों स्मार्टफोन्स के क्या प्राइसेस होने चाहिए, आपके क्या ओपिनियंस हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए कमेंट करके बताना, आपको क्या अच्छाइयां लगी क्या क्या कमियां लगी बता देना मुझे। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, रात को टेक न्यूज़ भी देता हूं, तो टेक न्यूज़ भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.